नमस्कार दोस्तों, वेरिकोसील दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे पुरुषों को, बहुत सारे लड़कों को ये डर होता है, ये कंफ्यूजन होती है कि कहीं उनको भी वेरिकोसील तो नहीं। और अगर जब वो वीडियो देखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उनको एक चीज पता लगती है, यार एक टेस्ट कराना पड़ेगा, USG स्क्रोटम कराना पड़ेगा, जो 1500 से 2000 के बीच में होता है, तब जाके आपको कन्फर्म होगा कि आपको वेरिकोसील की समस्या है या नहीं। तो यहाँ पर एक सवाल अक्सर बहुत सारे लड़के, बहुत सारे हमारे जो पुरुष है, वो फोन करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कोई ऐसे साइन एंड सिम्टम है कि हम घर बैठे इसको पता लगा सके और अपना ये जो खर्चा है इसको बचा सके, या इस खर्चे को करने का कोई वर्थ तो हो, हमें कोई ऐसा साइन दिखे जब हम इस टेस्ट को कराएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से ये बताऊंगा कि कब या कौन से लक्षण दिखने पर आपको USG स्क्रोटम कराना चाहिए, ताकि आपके जो पैसे हैं वो वर्थ इट हो, या फिर अगर आप अपना पैसा बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको ये भी पता लगे वेरिकोसील है या नहीं, तो कैसे पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले जानते हैं, जब भी किसी को वेरिकोसील होता है तो सबसे कॉमन लक्षण कौन से देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज, लक्षण से पहले ही मैं बता देता हूँ, अगर आपको पेट से जुड़ी समस्या रहती है, आपको गैस बनती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होता है यानी कब्ज बना रहता है, आपका पेट प्रॉपर साफ नहीं होता है, तो 80% चांसेस हैं कि आपको वेरिकोसील की समस्या हो सकती है। क्योंकि वेरिकोसील के कारणों में देखा जाए तो सबसे बड़ा कारण अपच यानी इनडाइजेशन, कोलाइटिस और आपका कॉन्स्टिपेशन ही देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद भी अगर हम बात करें कि ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम है जिससे ये पता लगे कि किसी को वेरिकोसील हो रहा है, ये ग्रेड्स इसके बढ़ रहे हैं, तो उसमें एक दूसरा साइन एंड सिम्टम देखने को मिलता है कि आपके जो टेस्टिकल्स हैं यानी जो पुरुषों के अंडकोश होते हैं, उसमें उनको दर्द महसूस होता है कभी भी, रुक रुक के, हो सकता है आज हो, उसके बाद 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, या शायद 2 महीने बाद हो। इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती कि ये रेगुलर होगा या नहीं, लेकिन ये रुक रुक के ज़रूर होता है। ये दर्द धीरे धीरे बढ़ता है, यानी आपको जब दर्द होगा, जब आपके ग्रेड्स जो हैं कम है, तो ये दर्द आपको हल्का फील होगा, लेकिन ग्रेड बढ़ने के साथ ये दर्द ज़्यादा महसूस होगा। और इस दर्द के साथ जो तीसरा साइन एंड सिम्टम है, वो आपको क्या दिखेगा कि आपके टेस्टिकल्स की जो नसें हैं वो आपको बाहर से ही उभरी हुई मोटी मोटी दिखनी शुरू हो जाएंगी, या फिर आप हाथ फेरेंगे तो आपको टच करने से ही पता लग जाएगा कि नसें आपकी फूल रही हैं, बड़ी हो रही हैं, मोटी हो रही हैं। ये अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं, यानी आपको नसें फूली हुई दिखाई दे रही हैं, और चौथा लक्षण आपको अपने टेस्टिकल्स का साइज बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां पे गुच्छे जैसा महसूस हो रहा है, तो आपको अभी के अभी USG स्क्रोटम टेस्ट कराना चाहिए। क्योंकि ये जो लक्षण है ये तभी दिखाई देते हैं जब आपका वेरिकोसील ग्रेड 2 और 3 पे पहुंच जाता है। शुरुआती ग्रेड में इसके कोई लक्षण आमतौर पर देखने को नहीं मिलते हैं, तो यहाँ पर आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। अगर आपको ये लक्षण दिख रहे हैं तो टेस्ट ज़रूर कराएं, और अगर आपको ये लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो आपको चिंतित होने की बात नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वेरिकोसील में ये साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, ऐसे लोग जिनका ज़्यादातर टाइम खड़े होके काम करने में जाता है, मान लेते हैं जितने भी पुलिस वाले हैं जिनको बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा होना पड़ता है, हमारे आर्मी के सोल्जर्स हैं जिनको बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है, कई बार टीचर्स हैं जो पूरा पूरा दिन खड़े होके पढ़ाते हैं, ऐसे लोगों को वेरिकोसील होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका कोई प्रोफेशन ऐसा है या आपको इनडाइजेशन है, तो यहाँ पर चांसेस है कि आपको वेरिकोसील की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है और आप उसे अभी के अभी क्लियर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर अभी के अभी कॉल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स से बात करें, जाने कि किस तरीके से जो आपका डाउट है वो सही है या गलत है। इवन अगर आपको ये दिक्कत है या आपके परिवार में किसी को ये समस्या है, तो किस तरीके से बिना सर्जरी के वेरिकोसील को जड़ से ठीक किया जा सकता है, जो भारत होम्योपैथी के बहुत सारे पेशेंट्स ने किया है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके डिटेल में देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लगातार देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।